हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे काजू के कुछ फ़ायदे। शायद ही कोई ऐसा हो जिसे काजू या इससे बनी चीज़ें पसंद ना हो। काजू एक ऐसा ड्राई फ्रूट्स है जिसे हर कोई खाना पसंद करता है। इतना ही नहीं, काजू में को बहुत से व्यंजन में सजावट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। काजू को सेहत के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद माना जाता है। दोस्तों, काजू में प्रोटीन, खनिज, आयरन, फाइबर, फॉलेट, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, सेलेनियम, एंटीऑक्सीडेंट, मिनरल्स और विटामिन के गुण पाए जाते हैं, जो सेहत को कई तरह की परेशानियों से बचाने में मददगार हैं। डायबिटीज़ मरीजों के लिए काजू का सेवन करना काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। दोस्तों, काजू में कई ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो रक्त में मौजूद ग्लूकोज को स्टेबलाइज करने में मदद कर सकता है। काजू में फाइबर की मात्रा मौजूद होने से यह हमारे पाचन को सुधारने का काम कर सकता है। काजू खाने से गैस और कब्ज की समस्या से भी राहत मिल सकती है। काजू को त्वचा के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद माना जाता है। त्वचा की झुर्रियों को कम करने में मददगार है। काजू का सेवन, काजू में विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट के गुण पाए जाते हैं जो त्वचा और कई स्वास्थ्य समस्याओं से बचाने में मदद कर सकता है। काजू में मैग्नीशियम और कैल्शियम की अच्छी मात्रा होती है जो हड्डियों को कमज़ोर होने से बचाने में मदद कर सकते हैं। काजू को डाइट में शामिल कर हड्डियों को मजबूत बनाया जा सकता है। काजू में मैग्नीशियम और फाइबर की अच्छी मात्रा पाई जाती है जो फैट और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है। इसके सेवन से वजन को कम किया जा सकता है। काजू में मैग्नीशियम, जिंक, आयरन और फॉस्फोरस जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो बालों को कमज़ोर होने से बचाने के साथ साथ उन्हें मुलायम, चमकदार और घने बनाने में मदद कर सकते हैं। उसको काजू में पाए जाने वाले पोषक तत्व शरीर को मजबूत बनाने के काम करते हैं। इसमें मौजूद मैग्नीशियम हड्डियों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। काजू के सेवन से शरीर में ताकत बनी रहती है। इतना ही नहीं, इंस्टेंट एनर्जी देने में भी मदद कर सकता है। ये तो दोस्तों काजू के कुछ फ़ायदे। वीडियो कैसे लगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।